गाइस फोर थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड इफ यू वांट टू गिव योर एग्जाम्स प्रॉपरली, ठीक है ना। चार चीज ध्यान में रखनी है, कोई भी टेस्ट दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो ऑफ 100 मार्क्स, प्लीज कीप दीज फोर थिंग्स इन माइंड। फर्स्ट, फोकस ऑन थिंग्स दैट यू नो, ठीक है। कभी भी आपको जो आता है ना, एटलीस्ट 40-50 मार्क्स का पेपर में वैसा होगा। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इनफ कि आप उतना पिकअप करके फटाफट पहले लिख लो, सो दैट जो पास होने वाला बैरियर है ना वो दिमाग से निकल जाएगा एंड वी विल बी कॉन्फिडेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द पेपर। सेकेंड, स्टेप वाइज मार्किंग आर ऑलवेज अवेलेबल। तो ऐसा मत सोचना यार मुझे तो ये पूरा आंसर आता ही नहीं है तो मैं छोड़ देता हूं, मुझे तो खाली आधा आंसर आता है। आधा आंसर आता है तो आधा आंसर भी लिख कर आओ, स्टेप वाइज मार्क्स मिलेगा। जस्ट नॉट दैट फाइनल आंसर के बेसिस पे ही आपको मार्क्स मिलने वाला है, जो आपने स्टेप सही लिखे हैं उस बेसिस पे आपको 50% 60% मार्क्स मिल सकते हैं, विच कैन बी वेरी वेरी यूजफुल। नेक्स्ट, एंश्योर दैट यू आर ट्राइंग टू कंप्लीट 100% पेपर, और उसके लिए स्पीड पहले से ही अच्छी रखना। बिकॉज अगर समझो लास्ट के 15-20 मिनट है और उसमें आपका कुछ 20 मार्क्स का रह जाता है, एंश्योर कि वो थोड़ा थोड़ा भी आप लोग लिख कर आओ, दोज 4-5 मार्क्स कैन रियली एड बिग वैल्यू टू योर पेपर। एंड लास्ट है 15 मिनट जो आपको एग्जाम के स्टार्ट होने के पहले मिलते हैं, प्लीज यूटिलाइज देम वेरी वेरी प्रॉपरली, बिकॉज उससे आपका एक मोमेंटम सेट करने को मिलेगा विच विल बी यूजफुल फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स। अस्सलाम वालेकुम, डू लाइक इफ यू लाइक द लेक्चर।